तो गाइस द लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मैंने सिंचन ने मिलके पूरे लॉस सैंटोस की जनता को बचा लिया था। अरे यार वो तो मुझे पता है गाइस, यार हमने सारे लॉस सैंटोस के लोगों को बचा लिया था। अरे अंकल ज़ॉम्बी आ रहे, यहाँ से निकलो। अरे भाई साहब यहाँ से निकलो, ज़ॉम्बीज ने अटैक कर रखा है पूरे लॉस सैंटोस में। आप यहाँ पे फल बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदने आएगा, निकलो यहाँ से। ए हट पागल कहीं का, ये ज़ॉम्बी वॉम्बी कुछ भी नहीं होता समझा। ए भागो रे, गन दिखा रहा है ये तो। गाइस यार गन दिखाना जरूरी था क्योंकि ये भागता नहीं। गाइस एक काम करते हैं। अरे फेंगी भाई एक बात बोलू क्या? बोल क्या बोलना, जल्दी बता। अरे यहाँ से जल्दी निकलो, ज़ॉम्बी जाने वाले हैं। और हम लोग चलते हैं यहाँ से निकल के डायरेक्ट ह्यूमन रिसर्च लैब, ताकि वहाँ पे हम लोग ज़ॉम्बीज के लिए एंटीडोट ढूंढ लिए। गाइस इधर सिंचन बिल्कुल सही बोल रहा है। एक काम करता हूँ, अपनी बाइक को यहीं छोड़ देता हूँ और ये फल वाले की गाड़ी लेके चलते हैं। इसकी गाड़ी कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है और पावरफुल भी लग रही है, और ज़ॉम्बीज अटैक करेंगे तो इसमें हम लोग सेफ भी रहेंगे और बाइक में हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। एक काम करता हूँ, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ और फटाक से यहाँ से ह्यूमन रिसर्च लैब में चलता हूँ। चल फटाक से चलते हैं। अरे ये चल रहे हैं, चल रहे हैं। अरे देखो मैं भी आ गया। अरे रुको रुको फ्रैंकलिन। गाइस ये चॉप यहाँ पे कर रहा है। भाई साहब तो इतने दूर से भागते हुए आया है क्या? अरे हाँ, तुम लोग तो मुझे लेना ही भूल गए थे। अरे चॉप यार तू हमें बोल तो देता है, फोन करवा देता है, हम तुझे घर में लेने आते। अगर तुझे अभी ज़ॉम्बी काट लेते तब। अरे मुझे ज़ॉम्बीज नहीं काटते यार। गाइस यार चॉप को देख के मुझे ये लाइन याद आ रही है, इंकी पिंकी चौंकी और चॉप इधर डोंकी। अरे मैं डोंकी नहीं डॉग हूँ समझे क्या? गाइस इनको तो डायलॉग बोलना भी नहीं आता। इंकी पिंकी पोंकी, फ्रैंकलिन हमारे डोंकी। अरे फ्रैंकी भाई देखो इसको बोलते हैं डायलॉग। वाह चॉप वाह, बिल्कुल सही बोला है। अरे गाइस यार ये दोनों का दोनों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, तुम दोनों को यहीं जंगल में उतार देता हूँ और मैं अकेले चला जाता हूँ। अरे चॉप फ्रैंकी भाई मत चढ़ाइए, ठीक है फ्रैंकी भाई, सॉरी सॉरी यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन यार मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, इतना तो मजाक चलता रहता है। ऑल राइट गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। अभी तक आपको एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा होगा ना, अभी मैं जैसे ही रास्ते के पास जाऊंगा तो बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखेंगे। तो यार ये देखो एक सुरंग जा रही है, यहाँ से फटाक से निकलता हूँ और सीधे ह्यूमन रिसर्च लैब की तरफ चलता हूँ। सिंचन वैसे यार हम जाकर करेंगे क्या? डॉक्टर ने वो लोग इलाज ढूंढा तो होगा नहीं, सबके सब खाली बैठे होंगे और फल वगैरह खा रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। अरे यार वही तो। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ह्यूमन। अरे ज़ॉम्बीज रे भागो। गाइस यार ये वाली गाड़ी इतनी मजबूत तो लगती नहीं है। एक काम करता हूँ, बिना किसी को ठोके निकलता हूँ साइड साइड से। खाएंगे तुमको, खाएंगे। भाई साहब कितने भूखे हैं ये लोग, खाएंगे खाएंगे। कभी कुछ और भी खा लिया करो, घास फूस रखा हुआ है वो सब खा लिया करो, खाएंगे खाएंगे करते रहते हैं। हट यहाँ से फ्लाइट, हट यहाँ से। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले फेंगी भाई अपने। सो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो कि सारे ज़ॉम्बीज ठीक हो जाए, ताकि यार ये सारे ज़ॉम्बीज ठीक हो जाए यार। अरे हाँ वो तो हो जाएगा। अरे वार देख रहा है सारा स्टाफ ही ज़ॉम्बी बन गया है। और ये देखिए डंडा लेके कहाँ जा रहा है, यहाँ भी सब राउंड पे लगे हुए। मैं तुमको खाऊंगा ओए गाड़ी वाले। आजा आजा खिलाता तेरे को गोलियां, इनको इतना मारूंगा ना गाइस ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और अरे यार तुम लोग से बात करते करते मेरी गाड़ी ठुकते हुई बच गई। गाइस ये देखो कहाँ कोने में फंसा हुआ है, छुपा हुआ है, डर के मारे छुपा हुआ है। अरे वो छुपा नहीं है यार, वो हमारे जैसे को किसी को ढूंढ रहा है। अरे उधर आप क्यों छुपने जा रहे हो डरपोक? अरे यार सही में मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मेरे पास गन है ये तो मैं भूल ही गया था गाइस। एक मिनट, ओहो तेरा पीछे कुत्ता कर रहा है। अबे चुप, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, मारना इन सबको। अरे मैं गाड़ी पे ही रहूंगा, मैंने यार कुछ नहीं करने वाला। सो गाइस यार मैं गाड़ी पे रहूंगा, तुम दोनों अंदर जाओ जल्दी से, ठीक है? गाइस यार कितना डरपोक कुत्ता पाल रखा है मैंने, ये तो मुझे लगा बहुत बहादुर होगा लेकिन ये तो बहुत जल्द डरपोक है। चल सिंचन फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर्स ने अभी तक दवाई बनाया कि नहीं बनाया। और इन लोगों ने नहीं बनाया होगा ना, इनको मैं बहुत मारने वाला हूँ। ये चार पांच लोग हैं, खाली बैठे रहते पूरे दिन, यार कुछ तो कर लेंगे। अरे वही तो, चलो गाइस। अरे चुप अपना ध्यान रखिए, कोई ज़ॉम्बी आए तो उसको काट। अरे यार मैं नहीं काटूंगा वरना वो मुझे ही काट लेंगे यार। गाइस यार इस चॉप की बातें सुन के मुझे हैरान हो जाता है कि वो कुत्ता भी है कि क्या है, वो डोंकी है। बोलता है काटने से डर लगता है उसको, पता नहीं कैसा कुत्ता पाल रखा है मैंने। अरे यार वो छोड़ो यार, हम लोग चलते हैं फटाक से वो भी डॉक्टर के पास। अबे भाई साहब आराम आराम से, ये वरना ना कोई ज़ॉम्बी यहाँ पे होगा ना तो हम लोग को लपेटे में ले लेगा। आराम आराम से चलते हैं गाइस। ओहो मेरे पास बिजली वाली गन है। अरे यार जल्दी जल्दी चलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाइस यार क्या होगा हमारे लॉस सैंटोस में, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग ठीक हो जाए यार कैसे ना कैसे। गाइस यार जब तक मैं हूँ ना लॉस सैंटोस में, लॉस सैंटोस को पहले की तरह करके दिखाऊंगा, जैसे यार पहले हमारे
लॉस एंजेलिस में गाड़ियाँ चलती थी, मैं गाड़ी चुराता था और अमीर अमीर लोगों को मैं पैसे लेके आता था, वही करके दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि ज़ॉम्बी जैसा मुझे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा। ज़ॉम्बीज बन गए सबके सब, सब ऐसे ही घूम रहे और देख रहे हो लॉस एंजेलिस बिल्कुल सुनसान बन चुका है। अरे बिल्कुल सही बोला यार, मुझे भी वो दिन याद आ रहा है गाइस, यार मैं बहुत सारी गाड़ियाँ चुराते थे फेंकी भैया के साथ, खिलौने लेता था, लेकिन वो सारी दिन चली गई है। अरे अरे भाई साहब बस बस आज के लिए इतना ही गाइस, यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लिख दो यार हम लोग लॉस एंजेलिस को पहले की तरह कर चुके। एक मिनट गाइस, ये डॉक्टर सब की आवाज नहीं आ रही अभी गाइस, डॉक्टर गए तो। अरे डॉक्टर क्या हो, वापस आ गया सिंचन द डॉन, अगर आज तुमने एंटीडोट नहीं बनाया तो समझो मैं तुम्हारा क्या करूंगा। ए डॉक्टर किधर हो, अरे फेंगी भाई क्या कर रहे हो गाइस, बस मैं यूं ही फायरिंग कर रहा हूं। ओहो गाइस ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। भाई साहब रो क्यों रहे हो ये तो बताओ। अरे यार वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। अरे कौन छोड़ के चला गया? अरे सारे डॉक्टर मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेला रह गया यहाँ पे। सही हुआ यार तुमने ही बनाया था ना वायरस, ज़ॉम्बी वायरस, तुम्हारे साथ तो यही होना था, मुझे पता था सारे डॉक्टर तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ये कब तक तुम्हारा साथ देंगे। अरे फोड़ दो फोड़ दो, ये पूरी जगह तोड़ दो, यहीं से ज़ॉम्बी वायरस लीक हुआ था, एक काम करो सारा कांच तोड़ दो यहाँ का। गाइस सही बोला जा रहा है, यही से ज़ॉम्बी वायरस निकला था, एक काम करता हूँ इसको पूरा डिस्ट्रॉय करता हूँ, आगे कोई ज़ॉम्बी वायरस यहाँ से निकल ना पाए। अरे यार ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो, बम लगाओ। अरे वाह बिल्कुल सही बोला, बम लगा दो, ए फ्रैंकलिन तुम बम लगा दो यहाँ पे। बम तो लगा देता हूँ, एक मिनट पहले सारे के सारे केमिकल में तोड़ फाड़ देता हूँ। और गाइस कितना बुलेट चलाऊंगा, एक काम करता हूँ पहले यहाँ पे डायनामाइट वगैरह लगा देता हूँ और पूरा लैब को तबाह करता हूँ। अरे बाहर निकलो यहाँ से फटाक से। अरे हाँ हाँ मैं भी बाहर निकल रहा हूँ यार, मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, एक तुम ही अच्छे इंसान हो जो हर बार मेरे पास आ जाते हो मेरी मदद करने। सो गाइस यार थैंक यू, मैंने तो बम लगा दिया। अरे बस बस पूरी बिल्डिंग नहीं उड़ानी यार। अरे नहीं नहीं बस ये लेबोरेटरी उड़ानी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने आता, मुझे लॉस एंजेलिस की चिंता है, लॉस एंजेलिस के लोग पूरे ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गाइस 1 2 3 अरे वो हो गाइस यार अभी तो मैंने एक्टिवेट किया ही नहीं, एक मिनट 1 2 ओहो गाइस। अरे अरे कुर्सी आ गई यार, बाहर बच गया मेरा मुंह अभी यार। अरे तुम्हें लगी तो नहीं ना सिंचन? अरे नहीं नहीं मुझे भी नहीं लगी, सिंचन भी ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़ॉम्बीज को इंसानों में बदलना होगा, ना कि हमें ज़ॉम्बीज को मारना है। गाइस यार डॉक्टर भी सही बातें बोल गया, अभी तो हमें ज़ॉम्बीज को बचाना होगा, ना ज़ॉम्बीज को मारना नहीं है, ज़ॉम्बीज को मार देंगे तो पूरी लॉस एंजेलिस की जनता ही खत्म हो जाएगी, तो हम करेंगे क्या भाई लॉस एंजेलिस में अकेले रहकर? अरे यार मैं यहाँ का डॉक्टर होने के नाते ये कहूंगा कि हम तीनों ध्यान से सोचते हैं, कोई ना कोई तो प्लान आएगा। अरे भाई यार बिल्कुल सही बोला डॉक्टर अंकल, चलो चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे यार प्लान आने के लिए यहाँ से निकलना तो पड़ेगा, पहले फटाक से बैठ जाओ। गाइस यार डॉक्टर अब हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि यार हर बार ये यहीं रहते थे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इनके दोस्त भी इनको छोड़ चले गए, क्योंकि उनको पता था ज़ॉम्बी वायरस का खात्मा बस मैं ही कर सकता हूँ, द फ्रैंकलिन ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर। तो गाइस यहाँ से निकलता हूँ फटाफट। अरे अरे राम से यार आराम से चलो। अरे चुप, अगर हम लोग आराम से जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे। अरे हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही बोला यार। गाइस यार यहाँ से आराम आराम से निकलने से रहे, हम लोग को स्पीड में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढल रहा है ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे को काट काट के सबको ज़ॉम्बीज बनाते जा रहे हैं ये लोग। तो गाइस यार अभी हम लोग, अरे शहर का ये हाल देखो कैसा हो गया है यार। गाइस यार ज़ॉम्बीज को देख रहे हो, हर एक बस को गाड़ी को जला जला के कैसा कर दिया है। अरे मेरे पास एक आइडिया है यार। अरे यार डॉक्टर चुपचाप ही रहो, आपके पास कोई भी आइडिया फालतू का ही आइडिया आया होगा। अरे बोलने दो बोलने दो, अरे बोलो डॉक्टर अंकल। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना एक काम करते हम लोग यार, हम लोग सारे ज़ॉम्बीज को पानी में डुबा के रखेंगे और थोड़ा देर डुबाने के बाद देखेंगे क्या वो लोग ज़ॉम्बीज से इंसान बनते हैं या नहीं। गाइस ये डॉक्टर का आइडिया मुझे बढ़िया तो नहीं लग रहा, लेकिन ट्राई करने में कुछ गलती भी नहीं है। एक काम करते हैं सभी ज़ॉम्बीज को पकड़ते हैं और लेके चलते हैं एक तालाब के पास लेके चलते हैं और देखते हैं ज़ॉम्बीज नहाने के बाद ठीक हो पाते हैं कि नहीं, क्या पता नहाने से उनका दिमाग सही हो जाए। अरे यार बिल्कुल सही बोला है। अरे फेंगी भाई ट्रक की लोकेशन मुझे पता है, मैंने वीडियो में देखी थी, पुलिस स्टेशन चलो पुलिस स्टेशन। भाई साहब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। गाइस वैसे भी लॉस एंजेलिस की पुलिस स्टेशन में बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि सारे के सारे पुलिस वाले तो भाग चुके होंगे ज़ॉम्बीज के डर से। ऑल राइट गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लेस्टर बे के पीछे वाले पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पे अभी तक मुझे एक भी पुलिस नहीं दिखा। अरे सामने देखो ट्रक है यार। कहाँ पे है ट्रक भाई, सामने तो मुझे कुत्ता दिख रहा था। अरे वो नहीं यार इधर कह रहे सामने, वो देखो वो रहा है। ओहो गाइस यहाँ देखो दो बड़े बड़े ट्रक है और इनमें ज़ॉम्बीज तो आराम से आ जाएंगे। तो गाइस एक काम करता हूँ
फटाफट से नीचे उतरता हूँ और ये वाला ट्रक उठाता हूँ। बैठ रहे हैं, जल्दी बैठो डॉक्टर अंकल। अरे हाँ, मैं भी बैठ रहा हूँ। अरे जल्दी बैठो यार, क्या कर रहे हो, ज़ॉम्बीज आ जाएंगे, जल्दी चलो। चुप यार, तू भी अंदर बैठ जा, ऊपर बैठेगा तो गिर सकता है। तो गाइस यार यहाँ से निकलते हैं और इस ट्रक में मेरे हिसाब से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाएंगे, तो ये ट्रक सेफ भी है और इसको वो लोग तोड़ भी नहीं सकते। तो गाइस यहाँ से इस ट्रक पे निकलते हैं। अरे जल्दी बैठो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अरे यार तुम तो लटक गए, गिरोगे नहीं क्या यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैं नहीं गिरूंगा, मुझे पता है। अरे मैं नहीं गिरूंगा, मैं बहुत तगड़ा डॉक्टर हूँ। अरे जल्दी बैठो चुप। अरे हाँ रुको, अभी मैं कूद के बैठूं। अरे फ्रैंकलिन आराम से यार, गाड़ी को क्यों धक्का दे रहे हो। एक काम कर, छत पे जल्दी बैठ जा भाई, टाइम नहीं है। तो गाइस अभी तो मैं बैठ गया हूँ। अरे जल्दी जल्दी चलाओ ज़ॉम्बीज आने से पहले। गाइस यार ज़ॉम्बीज अभी तक मुझे दिख नहीं रहे। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ लॉस सैंटोस के बीचों बीच, और वहाँ पे आप लोग को पता ही है कितने सारे ज़ॉम्बीज दिखेंगे। तो उन्हीं में से किसी को पकड़ कर, किसी को नहीं, तीन चार को पकड़ कर लेके चलेंगे सीधे लेक में और उनको पानी में डुबा के देखेंगे। ऑल राइट गाइस। अरे फैंकी भाई, सामने बहुत सारी ज़ॉम्बी है, इन सबको मारो, मतलब इनको बेहोश कर दो, फिर इनको गाड़ी में डाल देंगे और फिर इनको तालाब में डुबा देंगे। ये गाइस यार एक मिनट, इनके ऊपर ट्रक पे ट्रक चढ़ाता हूँ और इनको बेहोश करके गाड़ी के अंदर डाल के तालाब में लेके जाएंगे और इनको देखेंगे नहाने के बाद ये लोग नॉर्मल होते हैं कि नहीं। अरे चुप, अब तू अंदर क्यों बैठ गया है। अरे यार क्या बताऊँ, मुझे डर लगता है ज़ॉम्बी से यार। अरे डॉक्टर सर आप गिर कैसे गए, आप तो बोले थे नहीं गिरूंगा। अरे यार क्या बताऊँ, पैर फिसल जाता है कभी कभी। छोड़ो तुम इनको, जल्दी जल्दी मारो यार, क्या कर रहे हो। गाइस ऐसे मैं काम करने से रहा, एक काम करता हूँ गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और इनको गन मार के बेहोश करता हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी गाड़ी चला दूँ इनके ऊपर ये कुछ भी नहीं होने वाले। अरे बम फेंको बम, ये देखो मैंने एक बम फेंका है। अरे अरे बम फेंक रहे हैं ये लोग, खाएंगे खाएंगे खाएंगे, जरूर खाएंगे इनको। गाइस बम फेंकने के बाद इन लोगों का कुछ तो असर हो रहा है, एक काम अरे वो फिर से खड़े हो गए। अरे ये कैसी ज़ॉम्बीज है यार, ज़ॉम्बी है कि सुपर हीरो, पता नहीं यार इतनी पावर आई कैसे इनके पास। डॉक्टर यार तुम्हारा वायरस कितना खतरनाक था, अभी तक एक भी बेहोश नहीं हुआ ढंग से। अरे एक काम करो, तुम आराम से नीचे उतरो, इन सबको मारो, इनको बेहोश करो और फिर इनको गाड़ी में फटाफट रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे गाइस यार सही बोला जा रहा है, एक काम करता हूँ गाड़ी से मुझे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना ही बम फेंक लूंगा मैं, इन लोगों को गन से ही बेहोश करना पड़ेगा। डॉक्टर अरे डॉक्टर गिर तो नहीं गए, तुम वापस गिर गए लग रहा है मेरे को तो। अरे यार मेरी लगता है जिंदगी नूबड़ी हो गई है। अरे नूबड़ी नहीं है यार, आपको अच्छे से पकड़ना नहीं आता है। अरे फेंकी भाई जल्दी जल्दी मारो सारे ज़ॉम्बीज को। एक मिनट गाइस ये लो और ये ले, सामने से आ रहा था भाई सब मेरे पे अटैक कर रहे हैं। गाइस यार फेंकी भाई जल्दी जल्दी रखो इनको ट्रक पे। अरे डॉक्टर जल्दी रखो। अरे एक मिनट पहले बेहोश तो कर दूं। अबे भाई सब सिंचाई के ऊपर हमला, अरे मेरे ऊपर हमला, साइड उड़ो यहाँ से। गाइस यार ये एक पे एक आए जा रहे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक काम करता हूँ फटाफट इनको ट्रक में लोड करता हूँ और जल्दी चलता हूँ। गाइस हट जा यहाँ पे, बम फोड़ने वाला सिंचन। अरे हाँ ठीक है जल्दी रखो इनको। अरे जल्दी रखो और यहाँ से निकलो यार। सो गाइस अभी इन सबको हमने रख लिया है। बे खोलो गेट, गेट खोलो। अरे गेट खोलो, तुम लोग बेहोश पड़े रहो। गाइस ओबे डॉक्टर फिर से गिर गया, जल्दी बैठ। गाइस ये डॉक्टर बोल रहा था बहादुर है, लेकिन ये तो बार बार गिरता जा रहा है। अरे मुझे माफ करो यार, पता नहीं मेरा हाथ कैसे छूट जाता है। मैं सोचता हूँ अरे अरे रुको रुको यार, फिर से गिर गया, माफ करना मेरे को। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। ब्रेव सिंचन, ब्रेव फ्रैंकलिन, ब्रेव चॉप और ब्रेव डॉक्टर। और भाई साहब ब्रेव डॉक्टर मत लिखना, ये डॉक्टर ब्रेव नहीं लगता है मेरे को। सिंचन फ्रैंकलिन ओपी लिख देना और ये देखना फिर से गिर जाएगा भाई चलते चलते एकदम से। अरे नहीं नहीं अब नहीं गिरूंगा। सो गाइस अभी देखो मैं एकदम सेफ तरीके से आ गया हूं। अरे जल्दी जल्दी चलाओ यार। गाइस ये है मेरे घर के पीछे वाला लेक और इसका एंट्रेंस यहीं पे है। एक काम करता हूँ एंट्रेंस को तोड़ता हूँ। अरे जल्दी से गेट लगा देना उतरते के साथ। सही बोल रहा है सिंचन, वरना मैं गेट नहीं लगाऊंगा ना तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाएंगे। गाइस एक काम करता हूँ, पहले ट्रक को खड़ी करता हूँ और वहां पे जाके गेट को बंद करके आता हूँ और भाई पूरा ताला लगा के आऊंगा। एक मिनट पहले ज़ॉम्बीज को अभी मत खोलना भाई साहब, वरना ज़ॉम्बीज भाग जाएंगे सारे के सारे। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, फटाक से तुम पहले गेट लगाओ। अरे फेंकी भाई जल्दी जल्दी गेट लगा दो यार, बड़ा वाला है। गाइस एक मिनट गेट अभी लगाता हूँ और भाई साहब ब्लॉक भी कर दूंगा। ऑल राइट गाइस अभी मैंने गेट तो लगा दिया है और अंदर कोई नहीं आ सकता, पूरा का पूरा लेक कवर है भाई साहब जालों से। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, वाह वाह अरे फ्रैंकलिन तुम पे दिमाग तो बहुत है, मानना पड़ेगा तुम्हारे लिए तो क्लैपिंग करनी पड़ेगी। एक काम करो फटाक से सारे ज़ॉम्बीज को निकालो बाहर। गाइस एक मिनट पहले ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं और आराम से गेट खोलेंगे
वरना यार इनका कोई भरोसा नहीं, मेरे पे अटैक भी कर सकते हैं। अबे सिंचन और डॉक्टर दोनों को दोनों संभल के रहना, मैं गेट खोलने वाला हूँ। अरे मैं ऊपर ही आ जा रहा हूँ, 2 मिनट रुको। 3, 2, 1 सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाओ। बे अरे पानी, अरे पानी रे, अरे बहुत पानी है यहाँ तो। अरे काम करो, सारे के सारे जाओ पानी में। गाइस ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे और ये तो मुझे मारने भी आ रहा है। एक काम करता हूँ, ट्रक में बैठता हूँ और ट्रक से इन सबको धक्का देके पानी में डालता हूँ। अरे भाई यार ये तो दिमाग है आपके भाई। अरे गाइस यार फंकी भाई के पास इतना दिमाग कब से आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। चलो चलो सबको इन सबको धक्का दो। गाइस 1 मिनट, मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है और आराम आराम से इनको धक्का देता हूँ, इनको कुछ हो ही ना। गाइस मैंने इनको पानी में धकेल तो दिया है लेकिन कुछ आगे रह गए, कुछ पीछे चले गए। अरे लेकिन सब लोग पानी के कॉन्टेक्ट में तो है। हाँ हाँ सिंचन ये बात तो है, ये लोग पानी के कॉन्टेक्ट में तो है लेकिन इनको और गहरे पानी में ढकेलता हूँ। रुक जाए 1 मिनट गाइस, और थोड़ा गहरा, और थोड़ा गहरा। अरे 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 गाड़ी डुबाओगे क्या गाइस? अरे मेरी ट्रक डूब गई है। अरे नहीं नहीं डूबने नहीं दूंगा। गाइस ये देखो तुम्हारे भाई की ड्राइविंग 1 नंबर की है और मैंने ट्रक को बाहर निकाल लिया। अरे वाह यार अभी तो मुझे लगा ट्रक के साथ मैं भी डूब जाता अंदर। गाइस ये ज़ॉम्बी बाहर क्यों आ रहा है? अबे भाई साहब तेरे को अंदर जाने में प्रॉब्लम है क्या? इसको अंदर भेजता हूँ। अरे इसके दिमाग ठिकाने लगाओ यार, हथौड़ा मारो इसके दिमाग में। गाइस इसको तो मैंने लिटा दिया, और तू क्या कर रहा है? तू भी लेट पानी में, पानी में डुबा रहे हो। गाइस मैंने पानी में सबको लिटा दिया है और देखते हैं कोई असर होता है कि नहीं। अरे मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है गाइस। मुझे भी यही लग रहा है सिंचन, और डॉक्टर मुझे भी यही लग रहा है। अरे मुझे लग रहा है ना ये लोग कंट्रोल में आ रहे हैं। देखो ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रहे हैं। एक काम करो और ज़ॉम्बीज को लाने चलते हैं, फटाक से चलो यार। गाइस एक काम करता हूँ, फटाफट से और ज़ॉम्बीज लाता हूँ, उनको यही नहलाता हूँ और वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो गाइस फटाफट चलते हैं, मुझे लगता है इलाज मिल गया। ओ बल्ले बल्ले सावा सावा, बल्ले बल्ले बिल्कुल सही बोला है। अरे पार्टी करो पार्टी सब। अरे वो देखो वो वहाँ पे खड़े हो गए सारे ज़ॉम्बीज। गाइस ये क्या है? अभी मैं यहाँ से निकला भी नहीं था और सारे के सारे ज़ॉम्बीज खड़े हो गए। मारो इसने हमें पानी में डुबाया था। गाइस इन लोग के पास अरे अरे मार कैसे रही? अरे फेंक पे जल्दी मारो इनको, ये बंदूक निकालो यार। तेरी गाइस इनको कुछ असर नहीं हुआ पानी का। अरे बड़े तगड़े बम है, एक काम करो पानी में मारो पानी उड़ेगा। सिंचन तू मुंह नीचे कर, इनको भी मैं बताता हूँ। गाइस इन लोग को कुछ भी नहीं हुआ पानी का सर, मतलब पहली वाली ट्रिक हमारी फेल हो गई, पानी से इनको कुछ भी नहीं होना यार। अरे एक काम करो यहाँ से जल्दी निकलो, सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होंगे बंदूक की आवाज सुन के। फटाक से गाड़ी में बैठो, सब लोग फटाक से चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं हमें कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हमने गेट तो लगा ही दिया था सिंचन। अरे यार फिर भी बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ ये बात तो है गाइस, हम जैसे ही बाहर निकलेंगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भीड़ लगा, अरे भीड़ लगा के आ गए ये देखो। अरे अरे आपको क्यों खींच रहे? अरे जल्दी अंदर बैठो। अरे भाई बचाओ अपने आपको। गाइस अभी तो इसने मुझे बाहर खींच लिया था लेकिन तुम्हारा भाई कम है क्या? इन लोग को मार मुर के सीधे अंदर बैठ गया। अरे डॉक्टर अंदर नहीं बैठना आता क्या? अरे तुम्हारी बोली यार, पागल हो क्या? तुमने बोला और मैं फटाक से गिर भी गया। ओबे तेरी देख ज़ॉम्बीज में कितना ताकत आ रहा है, वो तेरी मेरी ट्रक को पलटा दिया। अरे रामजी यार तुम कैसे चला रहे हो ट्रक को? गाइस यार ज़ॉम्बीज ने मेरे ट्रक को उठा के फेंक दिया था। अरे मुझे बैठने दोगे तब ना, तुम ठोक दे रहे हो बार बार यार। अरे सॉरी सॉरी लेकिन आप बैठ भी तो नहीं पा रहे, और कस के पकड़ो ना, अब बच्चे थोड़ी ना हो। डॉक्टर और डॉक्टर ढंग से पकड़ो। अरे हाँ हाँ अब मैं पकड़ा हूँ, अब तुम कैसे भी चलाओ पक्का नहीं गिरूंगा यार, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस एक बात बताऊँ, जब हम रोड से जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ पहाड़ से नीचे उतर जाता हूँ और हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे रामजी रामजी, अरे रामजी यार गाड़ी को एकदम आराम से चलाना, इतनी भारी ट्रक है, अगर गिर गए ना तो दब जाएंगे। गाइस एक बात तो सही बोला सिंचन ने, ये बहुत भारी ट्रक है और ज़ॉम्बी जब हम ला रहे थे ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही थी। ऑल राइट गाइस, अरे मेरे पास एक दिमाग आया है, तुम मेरा बात सुनना चाहोगे फ्रैंकलिन? अरे यार चुपचाप रहो, आपका सारा दिमाग लो, दिमाग तो है नहीं और पकड़ना भी नहीं। अरे यार तुम बार बार गिरा दे रहे हो। अरे रोको रोको गाड़ी को बैठने दो, तो कम से कम सारे ज़ॉम्बी जा रहे हैं, अरे बचाओ मुझे कोई। गाइस इनके पास दिमाग आ रहा था, कौन सा दिमाग आ रहा था ये तो बता ही दो एक बार। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक बार ज़ॉम्बीज को जला के देखते हैं, मतलब इन पे फायर लगाएंगे और देखते हैं क्या ये वापस इंसान बनते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से बन सकते हैं यार। गाइस ये आइडिया मुझे थोड़ा बढ़िया तो नहीं लगा? अरे फिर से गिर गया। अरे कितना गिरते हो यार, गिरकर डॉक्टर? गाइस ये आइडिया मुझे बढ़िया तो नहीं लग रहा लेकिन करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि वैसे भी हमें ट्राई तो कुछ ना कुछ करना है। सिंचन ऊपर आ जा भाई साहब। गाइस एक काम करता हूँ, पेट्रोल निकालता हूँ और इनको जला के देखता हूँ। गाइस यार फेंगी भाई देख रहे हैं, अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं। अरे फेंगी भाई अपना ध्यान रखना यार। अरे ओबे भाई साहब, अरे 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 मैं आऊंगी नीचे। नहीं 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 सिंचन तू नीचे बिल्कुल मत आइयो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। गाइस ये लोग मुझे गिराते जा रहे हैं लेकिन तुम्हारा भाई कम नहीं है, इन लोग से बच बचा के ऊपर चढ़ जाता हूँ। गाइस ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अभी तू ऊपर चढ़ेगा, रुक।
अरे यार फेंकी भी अपने ध्यान रखो यार, अभी ये तो मुझे काट रहे हैं, लेकिन अभी इनको मैं बताता हूँ ऊपर चढ़ गया भाई। हम भी ऊपर चढ़ेंगे, हम भी ऊपर चढ़ेंगे। ओहो अभी भाई सब ऊपर आ, अबे ओ ओ गाइस, अरे फेंकी भी मारो इसको यार फटाक से। गाइस ये लोग तो ऊपर आ रहे थे और इनको मैंने जला दिया है नीचे। गाइस इनको मैंने जलाया लेकिन ये लोग जल के मर गए, मतलब ये आग से भी ठीक नहीं होने वाले। गाइस ना पानी ना आग, ये लोग किसी से भी ठीक नहीं होने वाले। सिंचैन और डॉक्टर सुनो, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ इलाज तो निकालना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल सही बोला, एक काम करो जल्दी गाड़ी में बैठो, अरे सारे ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम गाड़ी में डायरेक्ट मत आओ यार। ओह गाइस बच गया बच गया, अभी ये ज़ॉम्बीज़ तो मेरे पीछे पड़ ही गए थे, अभी मैं बच गया। सारे ज़ॉम्बीज़ हट जाओ यार, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अरे हट जाओ गाइस, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे यार क्या करे, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है। अरे गाइस यार क्या करे क्या करे, कुछ तो सोचना पड़ेगा फेंगी भैया। अरे भाई साहब इस डॉक्टर का दिमाग चलना चाहिए, इसी ने बनाया था ये वायरस और इनका ही दिमाग नहीं चल रहा। एक काम करता हूँ गाइस, इनको मैं मारने से बढ़िया ना एक काम करता हूँ, यहाँ से उधर जाता हूँ भागकर, और ये लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे, तो ये लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे उतने में फिर मैं वापस आ जाऊंगा और गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल जाएंगे। अरे सारे ज़ॉम्बीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे दो मिनट रुको, अरे फेंगी भैया जल्दी कूदो यार। अरे अरे अभी तो आपका पैर पकड़ लिया था इन लोगों ने। गाइस पैर तो पकड़ ही लिया था लेकिन तुम्हारा भाई कम है क्या, जल्दी बैठ सिंचैन। अरे डॉक्टर जल्दी बैठ जाओ, वेस्ट मत करो। अरे बैठने दो बैठने दो, दो मिनट रुको। अरे यार मैं अपना दिमाग लड़ा रहा हूँ, जो ये लोग आग से भी ठीक नहीं हुए, पानी से भी ठीक नहीं हुए, पानी से तो ये लोग उल्टा ताकत हो रहे हैं। गाइस यार अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हम ज़ॉम्बीज़ को कैसे ठीक करें। गाइस ये बात तो डॉक्टर ने अब जाकर सही बोली, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना हम डॉक्टर। अरे अरे यार, यार रुको रुको रुको, फिर से गिर गया, मुझे माफ करो यार, मैं बार बार गिर जाता हूँ। जितने बार यार ज़ॉम्बीज़ ने काटा नहीं होगा ना उतने बार तो डॉक्टर गिर चुका होगा। गाइस आप लोग जरूर बताना कि ज़ॉम्बीज़ को ठीक कैसे करें, पानी से ये लोग ठीक हुए नहीं और आग से ये लोग जल जा रहे हैं, तो आग से ये लोग तो मर जा रहे हैं। और हमें यार हमें ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाना है, ना कि उन्हें मारना है परमानेंट। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है सिंचैन। गाइस एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ और मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, बहुत देर से ट्रक चला रहा हूँ और ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते तो कुछ ज़्यादा ही। तो ऑल राइट गाइस अभी थोड़ा मैं यहाँ पे साइड में आ गया हूँ। अरे वाह यार इतनी देर बाद पानी दिखा, चलो चलो थोड़ा खेल लेते हैं यार। गाइस मैं अभी चला नीचे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं ज़ॉम्बीज़ को मैं हरा पाता हूँ। गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय यार, नेक्स्ट एपिसोड के इंतजार करना।